The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, गला खराब तो हुआ ही होगा कभी ना कभी, कैसे ना कैसे किसी ना किसी का. जब भी किसी का गला खराब होता है, बच्चा हो तो टॉन्सिल्स के बारे में सोचा जाता है, एडिनॉइड्स के बारे में सोचा जाता है, बड़ा हो तो भाई क्या हो गया, गला खराब हो गया, ठंड लग गई, फ्लू हो गया, ज़्यादा बोल लिया, ठंडा खा लिया, बाहर का खा लिया, गोलगप्पे खा लिए, पता नहीं क्या कर लिया. सो सोचा बहुत कुछ जाता है, दिया बहुत कुछ जाता है, अदरक वाली चाय दी जाती है, कभी गरारे किराए जाते हैं, कभी फिर दिक्कत हो तो फिर टॉम डॉक्टर के पास जाया जाता है. तो है क्या ये सारा फेक खेल और इसका एक्चुअली पीछे का मेडिकल साइंटिफिक बेसिक क्या है, आज हम जानेंगे. देखो, फैरिंजाइटिस बोलते हैं सोर थ्रोट को, गले की खराबी को. गले में जब खराबी होती है उसको कहते हैं फैरिंजाइटिस. सो दैट इज अ पेन, डिस्कम्फर्ट या स्क्रैचीनेस जो आप करते हो. क्यों करते हो? स्क्रैचीनेस सा आता है, सोरनेस सा आता है आपके थ्रोट में, एंड इट मेक्स समटाइम्स ज्यादा हो जाए तो आपको निगलने में, खाना निगलने में, स्वॉलोइंग में भी आपको दिक्कत होने लगेगी. दैट इज पेनफुल स्वॉलोइंग. सो दैट इज फैरिंजाइटिस, उसको ही सोर थ्रोट कहते हैं. इसका कारण है स्वेलिंग आपके गले के पीछे वाले, गले के पिछवाड़े पे, बैकयार्ड पे, मतलब पीछे वाले हिस्से पे, जिसको हम फैरिंग्स यानी टंग के पीछे वाले हिस्से को फैरिंग्स कहते हैं. टंग के पीछे वहां पर आपके मतलब टॉन्सिल्स हैं और वॉइस बॉक्स है. टॉन्सिल्स और वॉइस बॉक्स के बीच में जो जगह है उसको कहते हैं फैरिंग्स. सो दैट वहां का इंफ्लामेशन होता है तो फैरिंजाइटिस होता है, और वो टॉन्सिल्स के पास है तो टॉन्सिलाइटिस और फैरिंजाइटिस एक जैसे बिल्कुल एक जैसे प्रेजेंट यानी एक जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं. और ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द सोर थ्रोट केसेस, गले में जो खराबी होती है ये बिकॉज ऑफ कोल्ड होता है. सिंपल कोल्ड फ्लू और सिंपल वायरसेस जो मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कॉक्साकी वायरस, वायरस सिंपल फ्लू वायरस, इनसे हो जाते हैं. सो वायरस तो है ही, बैक्टीरिया भी हो सकता है भैया. बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, सबसे कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट. स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है, और लेस कॉमन है दूसरे टाइप्स के जैसे कि क्लमेडिया, गोनोरिया, ये भी सोर थ्रोट कर सकते हैं. यहाँ पर ये थोड़ा सा ओरल सेक्स के ज़्यादा रिलेशन आप मान सकते हैं गोनोरिया और ये, बिकॉज ये STDs में भी आ जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फैरिंजाइटिस ऑकर इन कोल्ड मंथ्स, जितने कोल्ड ठंडी के मौसम है उस समय. और ये ज़्यादातर आपके, अगर आपको हो गया तो आपने खासा फैल दिया, सबको फैला दिया, पूरे फैमिली में हो गया, पूरे लोगों को, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हो गया, इसलिए बच्चों को ज़्यादा होता है. एक बच्चे को हुआ तो सारी क्लास को हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. या ट्यूशन के एक बच्चे को हुआ तो सारे ट्यूशन को हो जाता है. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो, राइट. एंड then symptoms, what are the symptoms of a sore throat? See, the main symptom of sore throat is sore throat, right? Main symptom is sore throat. Lekin problem can happen along with sore throat. Gale kharab ke saath aapko aur bhi symptoms ho sakte hain, jaise ki fever, headache, joint pain, muscle pain, rashes और swollen lymph nodes, यानी गले के आसपास यहाँ पे गांठें हो सकती हैं, यहाँ पे गांठें हो सकती हैं जो कि आपको tonsils में ज़्यादातर आती हैं. तो लोगों को tonsils का भी feel हो सकता है और lymph node भी feel हो सकते हैं. tonsils होंगे तो एक एक बड़ी बड़ी गांठ होंगी, lymph node होंगे तो multiple भी हो सकते हैं. सो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि tonsils और इनमें क्या फ़र्क है, कैसा फ़र्क है. Very important points. Swollen lymph nodes are a part of this situation. And then sometimes you can also have skin rash. Skin के ऊपर rash भी आ सकता है. Joint pain, muscle pain, headache और fever भी हो सकता है गला खराबी के साथ. इसीलिए वो कहते हैं भाई flu वाले, cold वाले symptoms सारे. पर हफ्ता भर रहते हैं, ज़्यादातर cases में ठीक हो जाते हैं. ज़्यादा दिक्कत होने लग जाए तो फिर वो problem बढ़ सकती है. Remember that. फिर एक्टिवेटली व्हाट आर द टेस्ट, कैसे पता करें कि भाई आपको यही है और ऐसा ही है या कोई और कोई सीरियस सी प्रॉब्लम है या नहीं. इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होती है दैट इज योर गला, योर थ्रोट.
सो गला देखा जाएगा आपका, उसमें देखा जाएगा गले में कितना कंजेशन है कितना नहीं, और कई बार एक थ्रोट कल्चर भी लिया जा सकता है, पीछे से एक स्वैब से थोड़ा सा लिया जा सकता है जिसमें हम बैक्टीरिया के लिए चेक किया जा सकता है, थ्रोट स्वैब स्ट्रेप्टोकोकस है कौन सा बैक्टीरिया है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सेंसिटिविटी टेस्ट की जा सकती है कि उसमें कौन से एंटीबायोटिक्स से वो सेंसिटिव है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है। याद रखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि वो वायरस के वजह से हुआ है बैक्टीरिया के वजह से हुआ है किस टाइप के उसके ऊपर। एंटीबायोटिक्स वायरल सोर थ्रोट में काम नहीं करते, जीरो अंडा गुड़गुड़ पानी, नो नथिंग। सो एंटीबायोटिक्स आर ओनली यूजफुल इफ यू हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अननीडेड, यानी जिसमें जरूरत नहीं है, इफ यू गिव देम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देन यू विल अल्टीमेटली लीड टू लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन दैट पर्सन एंड इन द कम्युनिटी, बिकॉज वो बैक्टीरिया जो भी उसमें वायरल जो भी उसमें है, नहीं भी है तो जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जो उसके कमेंसल्स हैं वहाँ भी वो रेजिस्टेंट होते जाते हैं, एंड देन व्हेन दे गेट हावी because you already have streptococcus inside your body and unnecessary antibiotics are very harmful, we've already made videos about that, antibiotic resistance ja ke dekhiyega, just search antibiotic resistance by Dr. Education on YouTube, right? So there it is, and then sore throat ko antibiotics se treatment kar sakte hain kab, important, agar to gale ka swab culture positive hai, if the throat swab is positive for streptococcus, aur agar aapke doctor diagnose नहीं कर पा रहे हैं सिम्टम से, इफ योर प्रोवाइडर कैन नॉट डायग्नोस कि ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है, तब दे सकते हैं, और अगर ऑब्वियसली उसमें डॉक्टर का थोड़ा सा स्किल चाहिए, और अगर एक कल्चर कर रहे हैं जो कल्चर आ रहा है क्लैमाइडिया गोनोरिया उनमें से किसी में, तो भी फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की जरूरत है। सोर थ्रोट जो कि फ्लू के वजह से हुआ है इन्फ्लुएंजा के वजह से हुआ है, उसको एंटीबायोटिक नहीं एंटीवायरल मेडिकेशन चाहिए, एंटीवायरल। सो आप दोनों ही केसेस में वायरल हो बैक्टीरियल हो कुछ चीजें कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द होम रेमेडीज जो आपको बहुत पसंद है, नुस्खे नुस्खे गारंटी वाले नुस्खे बोलते हैं ना लोग, लिखित में देता हूं, मैं नहीं देता लिखित में, मैं समझाता हूं, आप खुद समझ जाते हैं। सो ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, पानी पीना है खूब सारा जोरदार लगातार फटाफट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन आइदर ड्रिंक वार्म वाटर या फिर आप लेमन टी पी सकते हैं हनी डाल के, या आप इवन आइस वाटर भी ले सकते हैं, बट ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए कायदे से, यू कैन आइस वाटर नहीं लेना है सॉरी, एंड यू कैन ऑल्सो सक ऑन सम फ्लेवर्ड कैंडीज, वो सारी चीज़ें लेंगे तो भी फायदा होता है, और गले में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होना चाहिए, दैट इज़ इट, ठीक है। और लार्ग आप क्या कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं सॉल्ट वाटर के साथ, दिन में 3-4-5 बार जितनी बार कर सकते हैं, उसमें आधा गिलास थोड़ा सा नमक थोड़ा सा पानी लेके नमक डालिए उसमें गरारे करिए नमक वाले पानी साथ, ठीक है। उसके बाद हार्ड कैंडीज और लोजेंजल्स आते हैं कई सारे जो आप ले सकते हो, यंग चिल्ड्रन को लोजेंजल्स नहीं देने चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं देना, वो अंदर निकल के वो चोक ना हो जाए उसमें फंस ना जाए, वो इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। और घर के अंदर जो है कई बार हम एसी या वेंटिलेटर चलता है ना तो ड्राई हो जाती है एयर, तो उसको वेपराइजर ह्यूमिडिफायर यूज़ किया जा सकता है जिससे कि एयर में ही मॉइस्चर हो ताकि वो ड्राई एयर ना इरिटेट करती है फिर ज़्यादा होता है, सो ड्राई एयर ना हो। और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप फिर आप पेन अपने खुद के ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले सकते हैं, पेन मेडिकेशंस लाइक एसिटोमाइनोफिन या एंटीहिस्टामिन, सिंपल एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं, लिवोसिट्रीजीन मोंटेलुकास ऐसी चीज़ें। देन ईयर इन्फेक्शंस अगर साथ में आप अगर इसको बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो उसका वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज एन ईयर इन्फेक्शन, गले खराब से ईयर इन्फेक्शंस में कॉम्प्लिकेशन जा सकता है, इन्फेक्शन हो तो वो कान में जा सकता है, साइनसेस में जा सकता है, और टॉन्सिल्स में एब्सेस बना सकता है। सो टॉन्सिल्स टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस ईयर इन्फेक्शन, ये तीन साइड इफेक्ट्स हैं सोर थ्रोट अगर आपका खराब हो रहा है तो। सो अल्टीमेटली अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है और एक हफ्ते के बाद वो 7 दिन के बाद में नहीं जा रहा है खत्म नहीं हो रहा है तो कृपया जाके ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाए चेकअप कराए, इट्स गुड टू गेट इट चेक एंड देन गेट योर मेडिकेशन, तो फिर ठीक हो जाओ। ओके सो दिस इज द बेसिक अबाउट सोर थ्रोट, जिसको गला खराब हुआ है सब अपने आज तक गला खराब हुआ है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।
Okay, so this is all about it.